अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है कबूतरों की फ्लाइंग फिर से कैसे स्टार्ट की जाए। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कबूतर हैं, ये दो तो कबूतर पर कटे हुए हैं। तो मैं ये इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसके लिए इनको नीचे लेकर आया था मैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए जाकर, उसमें मैंने पेयरिंग के बारे में बात की है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कबूतरों की उड़ान की। तो जैसा आपके सामने देख सकते हैं ये सारे कबूतर हैं मेरे पास। ठीक है, कुछ 7 या 8 कबूतर ही है जो मैं यहाँ पे उड़ाता हूँ घर से, बाकी जो उड़ाता था उनको मैंने ब्रीड के लिए ले लिया है, लेकिन ये कबूतरों को मैं उड़ाना चाहता हूँ अभी। ठीक है, तो अभी कबूतरों को उड़ाए कैसे बाहर, क्योंकि सर्दियों के मौसम में मोस्टली लोग कबूतरों को बाहर नहीं निकालते उड़ान के लिए, मोस्टली कबूतर अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो इन कबूतरों के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, ये कबूतर जो है बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जो वेदर चेंज होता है उसमें जब कबूतर ऊपर आसमान में बंद होता है तो कबूतर को सही से समझ नहीं आता कि उसको ज़्यादा उड़ना चाहिए या कम उड़ना चाहिए, तो बहुत बार कबूतर घर से भटक भी जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कबूतरों को किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से हम एक बंद टाइम से निकाल के उनको उड़ने लायक कैसे बनाएं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके कबूतर उड़ते नहीं हैं या आपके कबूतर बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी एक ही जगह बैठे हुए होते हैं, मैं उन टाइप के कबूतरों की बात नहीं कर रहा। मैं उन टाइप के कबूतरों की बात कर रहा हूँ जिनकी परवाज़ हमें खोलनी है। ठीक है, ये कबूतर सारे हैं ये गर्मा में अच्छे उड़ते रहे हैं। ठीक है, जो आप सेंटर में पीछे ये वाला कबूतर देख रहे हैं बीच वाला, इसका तो 5 और 6 घंटे के बीच में इसकी टाइमिंग है गर्मा में 2019 में। ठीक है, लेकिन अभी जब मैं ये कबूतर उड़ाता हूँ फिर से तो ये 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटा पे कबूतर बैठ जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? तो मेनली भाई इसका रीज़न ये है, उनका बॉडी का फैट। आपको समझ नहीं आएगा लेकिन आप अगर कबूतर को पकड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा, अगर आप कबूतरों में पहले से एक्सपीरियंस्ड है तो आपको समझ आएगा कि उनकी परों पर फैट जम जाता है। ठीक है, परों पर फैट जब जमता है तो कबूतर का आप समझ नहीं सकते, लेकिन कबूतर को वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उड़ान में। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कबूतर की डाइट फर्स्ट चेंज करें। डाइट कबूतर की चेंज करने से आपका क्या होगा कि आपके जो कबूतर की बॉडी पर फैट है वो सारा फैट क्लियर होगा। फर्स्ट होता है फैट क्लियरेंस। जब आपके कबूतर का फैट कम्प्लीटली क्लियर हो गए, ठीक है, तो आपको कबूतर को धूप खिलानी है। तो धूप कैसे खिलाना है? अब जैसा आप ये जाल देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने ये शेड लगाया हुआ है। ठीक है, तो सुबह में आप क्या करिए, इस शेड को कम्प्लीटली हटा दीजिए और कबूतरों को धूप में रहने दीजिए, बेसिकली एक धूप जाल की तरीके से। अभी मेरे पास यहाँ पे धूप जाल का प्रोविज़न नहीं है तो मैं ये ऊपर जो शीट रखी हुई है ये शीट हटा दूंगा धूप के टाइम पर, तो कबूतर को धूप लगेगी। जब धूप लगती है कबूतर को तो कबूतर के अंदर का जितना भी निज़ाम होता है वो प्रॉपरली सही तरीके से ठीक हो जाता है, और जब कबूतर को धूप लगती है तो उसकी हड्डियों में जो है एनर्जी ज़्यादा आती है। जैसे हमको भी बोला जाता है विटामिन डी, ठीक है, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बॉडी के लिए। सेम चीज़ कबूतरों के लिए भी होती है, सर्दी में ज़्यादा धूप निकलती नहीं है और जब धूप निकलती है तो कबूतर की उड़ान बिल्कुल ही अलग तरीके से बदल जाती है। तो सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है, ठीक है, खाना चेंज करने के बाद, वो है धूप। कबूतरों को धूप में रखिए, थोड़ा एटलीस्ट 2 से 3 घंटे एवरी डे आपको कबूतरों को धूप में रखना है। ये देखिए कुछ कबूतर इस तरीके से होते हैं, वो लड़ाई बंद ही नहीं करते। तो ये तो घर का पट्टा है, लेकिन ये बड़ा वाला कबूतर है, इसकी स्टोरी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताई है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो हम जैसे बात कर रहे थे धूप की, ठीक है, धूप के बाद आ जाता है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करानी है कबूतरों को, रेगुलर वाली नहीं करानी। अगर आप कबूतरों की उड़ान खोलनी है तो इनकी प्रैक्टिस दूसरे तरीके से करवाई जाती है। कबूतरों को आपको उल्टा उड़ाना है, सीधा नहीं उड़ाना। अभी ये लोग बोलेंगे उल्टा कैसे उड़ता है कबूतर, कबूतर तो सीधा ही उड़ेगा। मैं कबूतर के टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, टाइम कैसे आपको सेट करना है कबूतर की उड़ान का। जब आप कबूतरों को खोलना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉपरली उनकी उड़ान लेना चाहते हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप दोपहर में एटलीस्ट 1 बजे कबूतरों को उड़ाएं, सुबह में ना उड़ाएं, दोपहर में 1 बजे। धूप जब बहुत ज़्यादा शदीद होती है वो टाइम पे आपको कबूतर को बाहर निकालना है और उसी धूप में आपको कबूतर को उड़ाना है। आपके कबूतर 1 घंटा उड़े या 2 घंटा उड़े उससे आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, रोज़ आपको कबूतर को 1 बजे ही खोलना है जब तक वो कबूतर 2 घंटे से 3 घंटे टाइमिंग देना शुरू कर दे। जब कबूतर 3 घंटे टाइमिंग देना शुरू कर दे आपका, जब वो कबूतर करीब 4 बजे उतरना शुरू करे, तो आपको टाइम को 1 बजे से छोड़ के 12 बजे कर देना। अब आपको कबूतर को
12 बजे उड़ाना है और फिर से वेट करना है, तो कबूतर आपका फिर थोड़े दिन बाद 4 बजे उतरना शुरू करेगा। तो आपके कबूतर का टाइमिंग 3 घंटे से 4 घंटे हो चुका है। तो फिर आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से रिवर्स जाना होगा पूरा कम्प्लीटली, इसी तरीके से पीछे 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 जाते हुए, जब आपके कबूतर की टाइमिंग करीब करीब 5 से 6 घंटे हो जाएगी, तो आपको मॉर्निंग 6 बजे उड़ाना है कबूतर को, तो आपका कबूतर 12 बजे के करीब करीब या 12 बजे के बाद बैठ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा टाइमिंग को। ऐसे नहीं है कि आप बस कबूतर को पिंजरे से निकालें और उड़ा दें तो आपके कबूतर सेट हो जाएंगे, वैसा भाई बिल्कुल नहीं होता। आपको प्रॉपरली अगर कबूतरों को उड़ान में लाना है तो आपको टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा, टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप 12 बजे से स्टार्ट करिए इनको उड़ाना खड़ी धूप में, उसके बाद स्लोली स्लोली जब इनको आप मॉर्निंग टाइम तक ले जाएंगे तो आपके कबूतरों का जो उड़ान है वो प्रॉपरली खुल जाएगी, और खुलने के बाद आपके कबूतर जो आपका रेगुलर पुराना वाला टाइम था वो देना शुरू कर देंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं सामने ये सारे कबूतर है, इस कबूतर को छोड़कर और वो वाइट वाले के बाजू जो बीच में बैठा हुआ है, इस कबूतर को छोड़ के बाकी सारे कबूतर यहाँ पे उड़ने वाले हैं। तो ये जैसा आप देख सकते हैं ये सारे कबूतर घर के ही पट्ठे हैं, सिवाय इसको एक को छोड़कर, क्योंकि ये कबूतर बाहर से लाया गया था, ये भी पट्ठा ही लाया गया था मोहम्मद भाई के पास से, लेकिन ये सारे जो कबूतर है ये सारे घर के कबूतर है। तो ये जो आप देख सकते हैं रोड पे मार्केट तो लगी हुई होती है, उसका कुछ कर नहीं सकते, अब मैं वीडियो स्टॉप नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो फ्लो ख़त्म हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। प्याज 100 रुपये में 4 किलो हो चुकी है फाइनली, तो हम थोड़ा सा कबूतरों को दाना ज़्यादा डाल सकते हैं शायद, क्योंकि सारा पैसा तो प्याज में जा रहा था लोगों का, ठीक है। तो ये जैसा आप देख सकते हैं ये एक पट्टी है घर की उड़ान के लिए, उसके साथ ये वाला भी कबूतर है जो उड़ाया जाएगा। वाइट वाले कबूतर का तो बहुत अच्छा हाल है, ठीक है, वो तो ज़बरदस्त उड़ता था पहले से ही, अभी जब इसको प्रॉपरली ट्रेन करके सेट करेंगे तो वो भी सेट हो जाएगा। ये वाला वो वाला पट्टा है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि वो घर से निकल गया था लेकिन फिर दूसरे दिन वापस आ गया, और वो वाला जो कॉर्नर वाला कबूतर है उसके लिए तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आई हैं, ठीक है। एक वीडियो में मैंने ये बोल दिया था कि ये कबूतर बहुत ज़्यादा पलटी मारता है और ये उड़ता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं उड़ता। तो बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है इस कबूतर को रिलेटेड के भाई हमें ये कबूतर चाहिए, हम ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन इसको थोड़ी सी दवाई डाल के इसकी जो पलटी मारना होता है वो मैंने बंद कर दिया है अभी, तो ये बिल्कुल पलटी नहीं मारता और ये अच्छा टाइम कर रहा है अभी, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे ये कबूतर अभी टाइम कर रहा है। तो ये जैसा आप देख सकते हैं ये लाल वाला और वो वाइट वाला, ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, ये बाद वाला बच्चा है और वो पहले वाली बच्ची है, ठीक है, तो ये भाई बहन है दोनों। तो ये देख सकते हैं आप इन पट्ठों का प्रोग्रेस किस तरीके से है, अभी आप ये वाइट वाला तो देख सकते हैं पहले ये कम्प्लीटली कुछ और ही कलर में था, अभी ये इस कलर में हो गया है। अच्छा, ये वाइट वाले की एक ख़ास बात ये है कि ये जो वाइट वाला सामने आप देख रहे हैं ये सीधा सीधा घर पे नहीं बैठता, ये बिल्कुल नीचे आएगा ऐसे पैर छत को, ये डंडे पे कहीं नहीं बैठता, ये सीधा उतरता है तो छत की सतह पे उतरता है, ज़मीन पे उतरता है, तो ये आएगा नीचे पूरा वो पैर ऐसे लगाते लगाते पंजों को फिर उठाएगा, तो ये फिर जब ऊपर चढ़ता है तो फिर ये ऊपर जाएगा, 1 घंटा आधा घंटा जो भी टाइम करना है फिर करेगा, फिर ये वापस आएगा नीचे, ये फिर पैर लगाते लगाते फिर ऊपर घुस जाएगा। तो भाई ये ऐसा कबूतर तो मेरे पास अभी तक तो लॉफ्ट में कोई था नहीं, तो ये पहला कबूतर है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। मुझे ऐसे फील होता है कि इसके अंदर कुछ लो फ्लायर्स का ब्लड मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, इसके माँ बाप जो है उनमें कहीं ना कहीं किसी तरीके से लो फ्लायर ब्लड मिला हुआ है जिसकी वजह से ये इस तरीके से उड़ान का इसका स्टाइल है। और ये तो जैसा आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो झुमके वाला जोड़ा है, ठीक है, मेल झुमके वाला है, तो उसका बच्चा है ये, साइज़ में बेहद बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं साइज़ कंपैरिजन में, ठीक है, वज़न भी उसका उतना ही है, लेकिन ये कबूतर अभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। और ये देखिए ये वाला जो पट्टा है ये जोहेल भाई जो है, जोहेल जो मुंबई के हैं उनके पास से मैंने जोड़ा मंगवाया था, ये उनका पट्टा है, ठीक है, ये उस जोड़े का पट्टा है, तो ये भी ज़बरदस्त तरीके की उड़ान का कबूतर है, ठीक है, ये तो बचपन में इसने बता दिया था कि ये चीज़ क्या है। और ये जो दो कबूतर है, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो मैं इसमें बता देता हूँ, तो मैंने लास्ट वाला जो वीडियो बनाया था वो पेयरिंग के ऊपर बनाया था, तो मैं ये कबूतर मोहम्मद भाई के पास से लेकर आया था, ये हाइपर एक्टिव कबूतर है, ठीक है, ये किसी को बैठने नहीं देगा या किसी को ठहरने नहीं देगा, सबसे लड़ाई करनी है वो कबूतर को, ठीक है। तो उस कबूतर को मैं ये वाली सामने जो देख रहे हैं आप इस फीमेल से पेयर कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से निकलते हैं इनके और इनमें उड़ान किस तरीके की आती है।
ओके तो ये एक बहुत ओवरव्यू था, समझ सकते हैं आप कबूतरों का। बहुत टाइम से मैंने घर के कबूतरों के ऊपर वीडियोस नहीं बनाए थे, तो आज मैंने सोचा कि 3-4 वीडियो चलिए शूट कर लेता हूँ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि आप भाई भी पूछते रहते हैं कि आपके घर के कबूतरों का क्या हुआ। कुछ लोग तो पूछ रहे थे कि भाई आपने क्या कबूतर सारे बेच दिए, क्योंकि कोई वीडियो ही नहीं बना रहे आप घर के कबूतरों की। नहीं भाई, अभी तो ऐसी कुछ नौबत नहीं आई कबूतर बेचने की घर पर। ठीक है, तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। ठीक है, अभी इस वीडियो के शूट होने के टाइम पर हमारे सब्सक्राइबर 17,600 टच हो चुके हैं, करीब करीब 18,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। लास्ट ईयर इसी टाइम पे मेरे कुछ 800 या 700 सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है, नहीं 700 भी नहीं थे, कुछ 600 सब्सक्राइबर्स थे मेरे इस टाइम पे लास्ट ईयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो और थोड़ा सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस साल का गोल है एटलीस्ट 50,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। मैं कंटेंट तो मैं गारंटी नहीं कर सकता कि रेगुलरली अपलोड करूँगा, लेकिन अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे तो वो खुद ब खुद एक आदमी को होता है कि कोई सारे लोग मुझे देखना चाहते हैं, मेरे कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो फिर आदमी खुद ब खुद टाइम निकाल ही लेता है। ठीक है, तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।